Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum friends, welcome to Centro of Wisdom channel. Friends, Pakistani passport ke hawale se ek aham news samne aayi hai, jiske mutabik global passport ranking mein Pakistani passport ki ranking mazid gir gayi hai aur Pakistaniyon ke liye visa on arrival mamalik ki tadad mein bhi kami waqia ho gayi hai. Aaj ki video mein hum isi pe baat karenge ke global passport ranking mein Pakistani passport ki ranking ki taza tareen kya surat-e-haal hai और अब पाकिस्तानी कितने ममालिक में वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं. यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग की. तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक इदारा है जो कि दुनिया भर के तमाम ममालिक के पासपोर्ट्स की रैंकिंग करता है और हर साल इसकी फहरिस्त शाया करता है. किसी मुल्क के पासपोर्ट पे कितने ममालिक में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल किया जा सकता है, इसी बुनियाद पर पासपोर्ट्स की रैंकिंग की जाती है. वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल ममालिक की तादाद किसी पासपोर्ट के लिए जितनी ज़्यादा होगी, ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग की फहरिस्त में उस पासपोर्ट का नंबर इतना ही ऊपर होगा, इतना ही उस पासपोर्ट को अच्छा समझा जाएगा. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को दुनिया भर में बहुत ही मोतबर जाना जाता है. यहाँ तक कि विकीपीडिया वाले भी अपनी वेबसाइट पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का रेफरेंस देते हैं. 2019 के आगाज़ में भी हेनले ने एक ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग जारी की थी जिसके मुताबिक पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की तादाद 33 यानी 33 थी और ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी पासपोर्ट 102 नंबर पे था. चंद दिन पहले जुलाई में एक दफ़ा फिर हेनले ने ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग जारी की है जिसके मुताबिक पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की तादाद में कमी वाक़ हुई है और पाकिस्तानी पासपोर्ट रैंकिंग में जो 102 नंबर पर था अब वो वहाँ से गिर के 106 नंबर पर जा चुका है. हेनले के मुताबिक इसकी वजह यह है कि तीन ममालिक ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत ख़त्म कर दी है. इन तीन ममालिक के नाम हैं बेनिन, बोलिविया और डिजिबोटी. लिहाजा अब पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की तादाद कुल मिला के 30 हो चुकी है, यानी 30 रह गई है. पहले जो 33 थी अब 30 रह गई है और पाकिस्तानी पासपोर्ट अब ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में 106 नंबर पे जा चुका है. फ्रेंड, यहाँ पे ये चीज़ भी वाजिया रहे कि ये तीन ममालिक जिन्होंने हेनले के मुताबिक अब पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत ख़त्म कर दी है, तो ये तीन ममालिक में से दो कंट्रीज़ बेनिन और डिजिबोटी पाकिस्तानी इनका ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जबकि बोलिविया का ई वीज़ा अप्लाई नहीं किया जा सकता. बोलिविया का वीज़ा रवायती तरीक़ाकार के ज़रिए एम्बेसी से लेना पड़ता है. तो फ्रेंड, ये थी रिपोर्ट हेनले की जिसके मुताबिक पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की तादाद 33 से कम हो के 30 रह गई है. अब ये अलग बात है कि ये तीन ममालिक पहले भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हेनले ने अपनी पहली रिपोर्ट में इनको पाकिस्तानियों के लिए शामिल कर रखा था.